आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 29वां अध्याय वचन 1 से 12। हाय अरियेल, अरियेल हाय, उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ, तो भी मैं तो अरियेल को संकट में डालूंगा। वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियेल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुना कर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो अरियेल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूख जाता है और वह प्यासा मर रहा है, वैसा ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान हैं, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ।